नमस्कार, जय सियाराम, जय श्री राम। और दोस्तों, आज हम लोग कहीं एक खास जगह पर जाने वाले हैं। हमारे कॉलेज का 2 दिन की छुट्टी मिली थी और उस छुट्टी को हम लोग यादगार बनाने के लिए कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और वो जगह है बनारस। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं, जैसे ये भाई मनीष भाई और ये भाई। हेलो गाइस, चलिए मिलते हैं बनारस में। तो गाइस, हम लोगों ने ये टिकट भी ले लिया है। तो फाइनली गाइस, हम लोग बनारस पहुंच गए हैं और अभी हम लोग गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। हरे हर महादेव, हरे हर महादेव। और ये गंगा का घाट है जो कि काफी लंबा है, बहुत दूर दूर तक है। तो सुबह मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा और अभी हम स्नान करेंगे और केवल दर्शन करेंगे। जय सिया। तो फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने नहा लिया है और अब हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बहुत जल्दी में है सब लोग, क्योंकि लाइन लगाना है, बहुत लंबी लाइन लगती है। देख रहे हो कैसे फटाफट सब लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं। तो गाइस, अभी हम लोग लाइन लगाएंगे और अभी बज रहा है 3:30। 3:30 बजे से लाइन लगाएंगे, तब कहीं जाके 5 बजे हम लोगों को दर्शन होगा अच्छे से। तो अब मिलेंगे दर्शन करने के बाद, क्योंकि मोबाइल भी जमा हो जाता है और सारे सामान जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दर्शन के बाद। तो फाइनली गाइस, हम लोगों ने काशी विश्वनाथ बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, माता अन्नपूर्णा के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं घूमने के लिए। आज बाबा जी ने आपका हम लोग और अभी हम लोग गंगा घाट पर आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे गतिविधियाँ हो रही हैं और उनमें से हम कुछ ना कुछ ज़रूर करने वाले हैं। तो गाइस, ये है गंगा मैया और जहाँ पर ये नाव देख रहे हो, बहुत सारी नाव चल रही है, बहुत दूर तक है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे यात्री श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और इसी नदी के किनारे, इसी गंगा मैया नदी के किनारे ये बसी है अपनी वाराणसी यानी बनारस। तो अभी हम लोग इस सामान की रखवाली कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे गए हैं स्नान करने के लिए, तो वो लोग आएंगे फिर हम लोग जाएंगे दोबारा नहाने के लिए। ओ भाई साहब, आप देख रहे हो ना, अभी जो नाव जा रही सामने और उसे देखो किस रस्सी से बांधा गया है भाई। ये जो घास फूस की रस्सी होती है, घास फूस की रस्सी मतलब जो होती है, उसी से ये बनाया गया है और भाई इसी से नाव रुकी रहती है। बताइए कितना जुगाड़, कितना यूजफुल बनाए हुए हैं इसे। और एक भाई इस पार से उस पार जाने का पैसा लेते हैं 50 रुपया, बहुत महंगा है, और पूरा घुमाने के लिए लेते हैं 200 रुपया। ये है अंगूठी की दुकान, वो भी लेडीज़ अंगूठी की दुकान, पर यहाँ पर ये लोग क्यों रुके मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस, ये है वो रूम जहाँ पर दोपहर को हम लोगों ने आराम किया था, क्योंकि रात को किसी ने सोया नहीं था और दोपहर को इतना ज़्यादा धूप था कि घूमना बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता था, इसलिए यहाँ पर हम लोग रुके थे और इसका भाड़ा सबका 100-100 रुपये आया था। दोपहर तक आराम करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बनारस की गलियों में। अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे, फिर भी बहुत सारे घाट घूमने को बाकी है, वहाँ जाएंगे, उसके बाद शाम को आरती देखी जाएगी, फिर रात को निकला जाएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं बनारसी पान के दुकान पर। भाई बनारस आए हैं तो बनारसी पान तो खा के ही जाएंगे। अब इन बनारसी पानों के दाम 40, 50 और 20 रुपये तक है, इसमें से जो भी आप खाना चाहे खा सकते हैं। तो चलिए खाते हैं बनारसी पान। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। तो गाइस,
हम लोगों ने घूमा और उसके बाद बनारसी पान भी खाया, सब लोगों ने खाया है ना जी। और उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जाने वाले हम लोग, और खाने के साथ साथ हम लोगों ने पैक भी करवा लिया है। अब चलेंगे मणिकर्णिका घाट, उसके बाद भाई उसके बाद हम गंगा आरती देखेंगे, उसके बाद गंगा आरती देखेंगे सामने महादेव बोलो। चलिए मिलते हैं मणिकर्णिका घाट पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस वाकई में यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं और कम से कम आधे घंटे से हम लोग घूम रहे हैं और अभी तक हम अपने मंजिल यानी मणिकर्णिका घाट पर नहीं पहुँचे हैं। देखते हैं अभी कितना दूर जाना पड़ेगा। भाई देख रहे हो ना कितनी गली है, बहुत लंबी है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं मणिकर्णिका घाट पर। देखिए भाई लोग, हर हर महादेव। और यहाँ ये देखिए मणिकर्णिका घाट, आप भी दिख रहे हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ पर गाइस मुर्दों को भी जलाया जाता है, वो चीज़ हमने भी देखी है, बहुत सारी जलाई जाती है। तो काफ़ी अच्छा भी लगा, वो भी देखा गया, उसके साथ हम लोगों ने घूमा भी। और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और नौका विहार भी हो रहा है। मनीष भाई नहाना है क्या? तो नहाना नहीं, क्योंकि दो बार ये नहा चुके हैं। अब इतना काला काज दिखाई दे रहा था, चश्मा भी काला पहना। जस्ट जोकिंग गाइस, और हम लोग इस समय गंगा नदी के तट पर, और आप देख रहे हैं ये है एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर है जो कि नदी में है। ये देखिए काफी बड़ा है, और इस पर चल के हम लोग ये हम लोग आ गए भाई। और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा होता है, ये देखिए। और इस समय बहुत ठंडी हवा चल रही है, इतना सुकून मिल रहा है कि आपको क्या बताएं। और ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है, और कहाँ मैं खड़ा हूँ एक पत्थर पर। और ये देखिए यहाँ पर सब लोग स्नान करते हैं, यहाँ पर कपड़े बदलते हैं, और यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं अभी। बहुत आनंद आ रहा है, हर हर गंगे। और अभी कुछ समय बाद आरती चालू होगी, तो आरती में भी हम लोग शामिल होंगे। ये हो रही है माँ गंगे की आरती, जिसमें शामिल होने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ, और इसमें कम से कम 10,000 तक श्रद्धालु शामिल हुए होंगे। आरती में भाग लिया, और आरती में शामिल होने के बाद बहुत ही आनंद आया। और अब और अभी अभी आरती समाप्त हुई है, और आप भक्तों को देख सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी कुछ पता नहीं है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो खाने में है दाल चावल सब्जी रोटी और अचार, और इसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं अयोध्या। तो फाइनली गाइस हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है, बनारस की यात्रा, और अब हम लोग बनारस से अयोध्या पहुंच चुके हैं। हेलो, ये सभी लोग जिंदा लौटे हैं वापस। मतलब हमारा एक बंदा जो है वो डूबने वाला था, इसको हमने बहुत ही मुश्किल से बचाया है। ये बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा डूबने पर? ये कृपया कर अपने एक्सपीरियंस का वर्णन करें। वो शर्मा रहे हैं, वो अपना वर्णन नहीं करना चाहते हैं। बाकी आप हमारे मुख्य संवाददाता श्री श्याम जी मौर्य से आगे का वर्णन सुने। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम। एक गूंगा इससे बोल बात कर लो।